बेगूसराय जिले में सरकार पर मनमानी करने सहित जीएसटी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए ईट चिमनी भट्टा संघ के बैनर तले भट्टा संचालकों ने ये प्रेस वार्ता कर केडीएम होटल पर एक प्रेस वार्ता कर अनिश्चितकालीन हड़ताल आह्वान किया है। आपको बताते चले कि चिमनी भट्टा संचालकों ने कहा कि सरकार के द्वारा जीएसटी 6% कर दिया गया, जबकि पिछले 7 वर्षों से ईंट की कीमत दर वही है। इस बीच भट्टा संचालकों को महंगे दर पर मिट्टी, बालू एवं कोयला तथा मजदूर सहित काफी महंगी साबित हो रही है, जिस वजह से अब भट्टा संचालक व्यवसाय करने में असमर्थ दिख रहे हैं। साथ ही साथ 2 वर्ष कोरोना काल में भट्टा संचालकों ने मजदूरों का ख्याल रखते हुए आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की, लेकिन अब स्थिति ये है कि अगर भट्टा संचालक अपने व्यवसाय को बंद करते हैं तो हजारों परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसी वजह से ईंट भट्टा संचालक इन दिनों नुकसान पे नुकसान लगातार पहुंचता चला गया। नतीजा महंगाई की मार से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया तक जा पहुंचा। सरकार जीएसटी दर ज्यादा बढ़ा दी है और समय के अनुसार मुनाफा नुकसान पे झेल रहे हैं। बेगूसराय ही नहीं पूरे देश में ईंट भट्टा संचालक आह्वान करता है कि जब तक सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय किया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विशेष उद्देश्य ये है कि ऑल इंडिया एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर बेगूसराय जिला ईंट निर्माता संघ जो है अनिश्चितकालीन भट्टा बंद करने का निर्णय लिया है। अनिश्चितकालीन भट्टा संचालन बंद करने का कारण ये है कि हम लोग का जीएसटी 6% हो गया है बिना इनपुट के। अब आप समझ सकते हैं कि एक भट्टा व्यवसायी लाल बालू की अनुपलब्धता के वजह से जो समस्या उसके बिक्री की थी, कोरोना काल में मजदूरों को हमने रखा, उसके बाद हम लोग अगले सीजन में जब प्रवेश किए तो क्या हुआ कि कोयला का अनुपलब्ध हो गया, बारिश हुई, ईंट गल गया। अब 1-1 लाख ईंट पकाने में 40 से 50 टन कोल की खपत हो गई। अब यदि हमारे पास कोल की क्वालिटी या गुणवत्ता की जांच करने की मशीन रहती तो वो भी जांच करते। सप्लायर किया क्या कि हम लोगों को गलत कोयला दे करके जो है सो पैसा तो ले लिया। अब स्वाभाविक है जब हमारा 50 टन चला गया और आज के तिथि में साधारण बात सोचिए कि 1 लाख में यदि 40 टन लग रहा है तो आप जोड़ लीजिए 25,000 रुपये के टन से 10 लाख रुपये। अब 1 लाख ईंटा हम लोग 10,000 भाड़ा ले करके पहुंचा रहे हैं 1,000 ईंट, तो स्वाभाविक समझ सकते हैं कि हम जीएसटी से कहां से देंगे। तो हमारी स्थिति बद से बदतर है और उस स्थिति में सरकार हमारे ऊपर 6% जीएसटी थोप दी, जो हमारा ग्राहक निम्न एवं मध्यम वर्गीय है वो कोरोना काल से और आर्थिक रूप से बहुत टूटा हुआ, अब उससे पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा। तो हम लोग अपना जमा पूंजी अब सरकार को दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हमारे घाटे की जो पूर्ति करती उसके बदले में हमें एक तरह से ये 6% का टैक्स लगा करके हम लोगों को विनष्ट करना चाहती है। इसलिए हम लोग ना अब सस्ते दर पर मिट्टी मिल रही है, ना 7 वर्षों में जो है सो वो डीजल भी काफ़ी बढ़ गया, और हमारा जो है सो 7 वर्षों के डीजल बढ़ने के बाद हमारा जो है सो ये जीएसटी भी बढ़ रहा, कोल मूल्य बढ़ गया, लेकिन सरकारी दर जो है सरकार का उत्पादन लागत हमारा हो जाने के बाद भी 7 वर्षों से ईंट का मूल्य वही का वही निर्धारित है। सरकार को चाहिए कि हमको सस्ते दर पर कोल उपलब्ध करवावे, हमें जीएसटी कम करे और सरकार जो है सो नदी का गाद का मिट्टी दे करके मिट्टी उपलब्ध करवाए, हमें लोन दे और ख़ास करके हमारे मजदूरों को जो है सो प्रधानमंत्री की जो ही सफल योजनाएं हैं उनको मजदूरों को भी दे। आज मुख्य बैठक क्या है? मुख्य बैठक है कि सारी बात आप समझ गए होंगे, हम लोगों को भट्टे में मुनाफा नहीं रह गया, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन
भट्ठा बंद करने जा रहे हैं। एक तीखा सवाल है, अगर आपसे 16,000 में मतलब कोई ईंट मांग रहा है तो उस समय आप दे देंगे? अगर हड़ताल है तो फिर हड़ताल रहेगा? हड़ताल में आपको थोड़ा बता दें, हम लोग भट्ठा संचालन बंद कर रहे हैं। नोट की बिक्री यदि हम बंद कर देंगे तो हमारे जो भट्ठा मालिक कर्ज से डूबे हुए हैं हम कहाँ से देंगे? तो स्वाभाविक है कि भट्ठा संचालन बंद। क्या नाम है? मेरा नाम मुरारी कुमार मनु, बिहारी माता संघ प्रदेश अध्यक्ष।